अतिथि शिक्षकों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर तहसील कुंभराज मैसोफा ज्ञापन। संयुक्त अतिथि शिक्षक संघ ने तहसीलदार महोदय को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मध्य प्रदेश में वर्तमान सरकार के द्वारा अपने वचन पत्र में सरकार बनने पर 3 माह के भीतर नियमित करने का वादा किया गया था, पर आज 8 माह बीत जाने के बाद भी सरकार ने अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण नहीं किया। 26 अगस्त 2019 को मध्य प्रदेश के समस्त तहसील ब्लॉक स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया और 30 अगस्त में प्रत्येक जिले में मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसके बाद भी अगर सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो 4 नवंबर को सीहोर से पैदल तिरंगा न्याय यात्रा में हजारों की संख्या में अतिथि शिक्षक शामिल होकर शाहजानी पार्क भोपाल के लिए रवाना होंगे और 5 नवंबर शिक्षक दिवस पर सभी अतिथि शिक्षक सामूहिक उपवास रखकर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन में शामिल होंगे। ज्ञापन देने में मुख्य रूप से अशोक मीना, श्री मोहन मीना, तखत सिंह अहिरवार, सुखलाल लोधा, ब्रजेंद्र सोलंकी, राजकुमार मीना, अशोक शर्मा, देवकीनंदन कुशवाहा, कमलेश अहिरवार, मोनिका साहू आदि उपस्थित हुए। अतिथि शिक्षक संघ के अध्यक्ष हरिकिशन खड़े ने सभी साथियों को धन्यवाद दिया और भोपाल के लिए अधिक से अधिक संख्या में जाने का आह्वान किया। कुंभराज से रामभाई बारोलिया की रिपोर्ट। कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया। वर्तमान सत्र में भी वर्षों से कार्यरत हमारे हजारों अतिथि शिक्षक स्थानांतरण नीति के कारण शासन भोपाल द्वारा अनुविभागीय अधिकारी उपरोक्त विषय में माननीय महोदय से निवेदन है कि अतिथि शिक्षक पिछले 10-12 वर्षों से पूर्व सरकार का निरीक्षित रहा है, परंतु आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी के बाद कांग्रेस पार्टी के द्वारा अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण की मांग को वचन पत्र में रखा गया। वह वचन पत्र के बिंदु क्रमांक 16.28/43.23 के अंतर्गत अतिथि शिक्षकों से 3 माह में नियमित करने का वचन दिया गया था। 12 नवम्बर 2018 को बतौर कांग्रेस अध्यक्ष आपके द्वारा प्रेस कॉम्प्लेक्स कर अतिथि शिक्षकों को गुरुजी की तर्ज पर नियमित करने की घोषणा की थी, जिसकी गारंटी पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अतिथि सिंह जी ने ली थी और कहा था कि हमारे सरकार बनने पर अतिथि शिक्षकों को गुरुजी की तर्ज पर 90 दिवस में नियमित किया जाएगा। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 9 फरवरी 2019 को अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण हेतु एक समिति का गठन किया गया। उप समिति को 3 माह में हमारा निराकरण करने के सरकार को देना था, परंतु अभी तक समिति की ओर से कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया। वर्तमान सत्र में भी वर्षों से कार्यरत हमारे हजारों अतिथि शिक्षक स्थानांतरण नीति के कारण। क्या नाम है आपका? हरे किसान खड़े। ये जो ज्ञापन दे रहे हो किस लिए दे रहे हो आप? ये ज्ञापन माननीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय और कांग्रेस सरकार ने अपने वचन पत्र में अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण हेतु अपने वचन पत्र में लिया था, जिसको लेकर आज हम सभी अतिथि शिक्षक आज तहसील महोदय द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप रहे हैं और ये पूरे मध्य प्रदेश में आज तहसील और ब्लॉकों में एक साथ सौंपा जा रहा है। इसके बाद भी आगे भी हमारा 30 तारीख में मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में ज्ञापन सौंपा जाएगा। अगर इसके बाद भी हमारी मांग को पूरा नहीं किया गया तो 4 तारीख को सीहोर से लेकर भोपाल तक पैदल तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें 5 तारीख को भोपाल में हजारों की संख्या में अतिथि शिक्षक शाहजानी पार्क में मौजूद होंगे।